चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की रिटोरियल वोकैबलरी की। आई होप आपने रिटोरियल पढ़ लिया होगा और अब तक तो आपने वोकैबलरी भी कर लिया होगा। मैंने ऑडियो तो बनाया था, खबरी पर अगर आपने सुना होगा तो। अब मुझे समय लगा है वीडियो बनाने का, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के रिटोरियल से हमारा पहला वर्ड था ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक, आप पहले एडिटोरियल का हेडिंग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये पहला एडिटोरियल था। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसमें कि सभी के सहयोग की आवश्यकता हो, सभी के प्रयासों की आवश्यकता पड़े, सभी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए जिस काम को करने के लिए, उसे बोला गया है फ्रेज में ऑल हैंड्स ऑन डेक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इट वॉज ऑल हैंड्स ऑन डेक गेटिंग ब्रेकफास्ट रेडी। तो ये बात कही गई कि ब्रेकफास्ट को तैयार करने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता थी, सभी की कोशिशों की जो है वो आवश्यकता थी नाश्ते को तैयार करने के लिए। अगला हमारा शब्द है स्पर्ड। स्पर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्पर्ड का मतलब होता है किसी भी किसी को किसी काम को करने के लिए एनकरेज करना, उत्तेजित करना, उसे प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया है स्पर्ड। स्पर्ड के सिनोनिम्स है प्रॉड, अर्ज, एनकरेज, स्टिमुलस। एंटोनिम्स है डिस्करेज, ब्लॉक, डिसवेड और हिंड्रेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हर सन्स पैशन फॉर कंप्यूटर गेम्स स्पर्ड हर ऑन टू सेट अप अ सॉफ्टवेयर बिजनेस। किसी महिला की बात हो रही है कि उसका जो पुत्र था, उसका बेटा था, काफ़ी पैशन था उसे कंप्यूटर गेम्स के प्रति, तो इससे उसे प्रेरणा मिली उस महिला को कि उसे इसे ये प्रेरित हुई कि वो अपना एक सॉफ्टवेयर बिजनेस ही खोल ले। इस किससे वो प्रेरित हुई, क्योंकि उसके उसने अपने बेटे का जो पैशन देखा कंप्यूटर गेम्स के प्रति, जिसके प्रति उसने ये जिससे प्रभावित होकर या प्रेरित होकर या प्रोत्साहित होकर उस महिला ने ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि वो एक सॉफ्टवेयर बिजनेस का जो है वो सेटअप करेगी। अगला हमारा शब्द है बर्जनिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। बर्जनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ फैलना, बढ़ना, प्रगति होना, किसी चीज़ में डेवलप होना, उसे बोला जाता है बर्जनिंग। बर्जनिंग के सिनोनिम्स है ग्रोइंग, फ्लरिशिंग, डेवलपिंग, बूमिंग और इंक्रीज। एंटोनिम्स है बर्जनिंग के ड्विंडलिंग, डिमिनिशिंग, ड्रॉपिंग और डिफेटेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्लांट्स बर्जन फ्रॉम एवरी अवेलेबल स्पेस। तो किसी जगह की बात हो रही है कि उस जगह पे जो है प्लांट, पेड़ पौधे जो है, जितना भी वहाँ पे जगह थी, पेड़ पौधे वहाँ पे बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे थे, फैल रहे थे, बढ़ रहे थे। अगला हमारा शब्द है सर्ज। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, उसे बोला गया है सर्ज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अब सर्ज, राइज, इंक्रीज और ग्रोथ। एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द सर्ज इन ऑयल प्राइसेस, तो तेल के मूल्यों में वृद्धि बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है सोर्ड। सोर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। सोर्ड का भी वही मतलब होता है किसी भी चीज़ में लगातार वृद्धि होते रहना, बढ़ते रहना, बहुत अधिक वृद्धि होना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है सोर्ड। सोर्ड के सिनोनिम्स है माउंटेड, फ्लोटेड, होवर्ड और इंक्रीज्ड। एंटोनिम्स है कलैप्स्ड, dropped, decreased or plummeted. Example आप देख सकते हैं, prices are soaring because of inflation. कि inflation के कारण, मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमतों में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। अगला हमारा शब्द है intervention. Noun की तरह word use हुआ है। Intervention का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, कोई व्यवधान पैदा करना, हस्तक्षेप करना, उसे बोला गया है intervention. Synonyms है interference, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन और इंट्रूजन। एंटोनिम्स हैं नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज और एडवांटेज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आफ्टर सर्टन पॉइंट मेडिकल इंटरवेंशन मे बी नेसेसरी। ये बात कही गई है किसी मरीज के बारे में, बात बोली गई है कि एक लेवल के बाद, एक सर्टन पॉइंट के बाद चिकित्सा संबंधी जो मतलब इस तरह से इंटरवेंशन है वो नेसेसरी हो जाएगी, मतलब चिकित्सा संबंधी ज़रूरतें, मतलब हस्तक्षेप करना पड़ेगा उनकी सेहत में, उन्हें किसी तरह की चिकित्सा संबंधी आवश्यकता होने वाली है। अगला हमारा शब्द है बोयंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। बोयंट काफ़ी सारे कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। बोयंट पहले एडिटोरियल में जो वर्ड यूज़ हुआ है पहले वो देख लेते हैं। कीमतों में या फिर व्यापारिक गतिविधियों में, गतिविधियाँ हमेशा ऊंचे स्तर पर रहना, किसी भी वस्तु की जो कीमतें हैं वो हमेशा हाई लेवल पर रहना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ है बोयंट एडिटोरियल में। या हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, खुश होना, तो उस कंटेक्स्ट में भी इसका यूज़ होता है बोयंट का। या फिर हम बोल सकते हैं पानी में जो तैरता हुआ पदार्थ होता है, फोर्स जो होती है ऊपर जो
तैरने वाली फोर्स, जैसे कोई ऑब्जेक्ट डाला जाएगा तो ऊपर अगर वो तैरता रहे तो उस तैरने को भी बोला जाता है बोयंस। तो इन तीनों कंटेक्स्ट में आप याद रख लीजिएगा वर्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, चेयरफुल, हैप्पी, बोयंसी, अपबीट और एफर्वेसेंट। एंटोनिम्स है सैड, ब्लू, हैवी, डाउन और अनहैप्पी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस आर बोयंट। ये बात कही गई है कि दोनों केंद्रीय कर और जो राज्य स्तर पे जो राज्य सरकारें कर लगाती हैं, वो जो कर दोनों के द्वारा लगाए गए बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पे वो कर लगाए गए थे। अगला हमारा शब्द है एमिनेटिंग। एमिनेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एमिनेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रकट होना, कहीं से निकलना, उत्पन्न होना, किसी चीज़ के कारण किसी चीज़ का उदय होना, आ जाना, मतलब लाइम लाइट में आना, उसे बोला जाता है एमिनेटिंग। एमिनेटिंग के सिनोनिम से इमर्जेंट, एमिट, इशू और ओरिजिनेट। एंटोनिम से अब्सॉर्बिंग, चेक, डिपार्ट और डिसअपीयर। एग्जांपल देख लीजिए, द हेडी अरोमा ऑफ वुड स्मोक एमिनेटेड फ्रॉम द स्टोव। कि जो हैवी किसी तरह के चूल्हे जलाने की या स्टोव जलाने की बात हो रही है, जब उसमें लकड़ी डाली जाती है उसके जलाने से इतनी मतलब उसकी उत्पन्न हुई उतनी स्मेल, लकड़ी की बहुत ज़्यादा एक्रिड जिसे स्मेल बोला जाता है, वो पैदा हुई लकड़ी जलाने से चूल्हे में। अगला हमारा शब्द है ओनस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ओनस का मतलब होता है किसी तरह की हमारी कोई दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारियाँ हैं, उसे बोला जाता है ओनस। बर्डन सिनोनिम्स देख सकते हैं आप, बर्डन, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। एंटोनिम्स एडवांटेज, हेल्प, ऐड और ब्लैंक। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द ओनर्स इज ऑन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स टू कीप अप विद एंटीवायरस अपडेट्स। ये बात कही गई है कि जो अब किसी तरह के एंटीवायरस के अपडेट करने की बात कही गई है, तो ये जो अपडेट करने का दायित्व है पूरी तरह से कंपनीज पर है, और जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता है, उन पर ये पूरा का पूरा उनका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एंटीवायरस के लिए अपडेट वो एंटीवायरस को करते रहें। अगला हमारा शब्द है पैरिंग। पैरिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पैरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में लगातार कटौती करना, कमी करना, धीरे धीरे मात्रा कम कर देना किसी चीज़ की, उसे बोला गया है पैरिंग। पैरिंग के सिनोनिम से ट्रिम्ड, क्रॉप्ड, कर्टेल्ड, शेव्ड। एंटोनिम से ग्रीव, एड, एडवांस और एमेस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द गवर्नर्स कैंपेन फंड कुड बी पैड डाउन टू $500। ये बात कही गई कि जो गवर्नर का कैंपेन फंड है उसे $500 तक जो है वो उसमें कटौती की जा सकती है। अगला हमारा शब्द है वॉलेटाइल। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि अस्थिर हो, जिसमें लगातार परिवर्तन होते रहें, परिवर्तनशील होना, अस्थिरता होना, अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस होते रहें जिस चीज़ में, उसे बोला जाता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल के सिनोनिम से अनस्टेबल, फिकल, इनकंस्टेंट, वेरिएबल और अनप्रेडिक्टेबल। एंटोनिम से स्टेबल, स्टेडी, काम और नॉन वॉलेटाइल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे हैव बीन राइड्स बिफोर एंड द सिचुएशन इज वॉलेटाइल। कहीं किसी जगह की बात की जा रही है कि उस जगह पर काफ़ी सारे दंगे फसाद हुए थे पहले, जिसके कारण जो स्थिति है वो बिल्कुल से मतलब एकदम से वॉलेटाइल हो गई, स्थिति में बिल्कुल से अस्थिरता उत्पन्न हो गई, अफरा तफरी मच गई। अगला हमारा शब्द है कंसर्ट। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंसर्ट का मतलब होता है किसी भी काम को सबके सहयोग के साथ करना, भरपूर कोशिश करना, मिलजुल कर कार्य करना, कलेक्टिवली, उसे बोला गया है कंसर्ट। कंसर्ट के सिनोनिम्स है कोऑपरेटिव, जॉइंट, यूनाइटेड और कलेक्टिव। एंटोनिम्स है सेपरेट, यूनिलेटरल, कन्फाइंड और कंस्ट्रेंड। एग्जांपल आप देख सकते हैं, वी मस्ट ऑल मेक अ कंसर्टेड एफर्ट टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ये बात कही गई है कि हमें कार्य को संपूर्ण करने के लिए, समय पर ख़त्म करने के लिए हमें मिलजुल कर कार्य करने की जो है वो आवश्यकता है, मिलजुल कर हमें प्रयास करना होगा। अगला हमारा शब्द है रिब्यूक। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट था ये भी एडिटोरियल। रिब्यूक का मतलब होता है किसी ने किसी तरह की कोई गलती की है, कोई गलत कार्य किया है, तो उसको डांटना, फटकारना, उसे डराना, धमकाना, उसे बोला गया है रिब्यूक। रिब्यूक के सिनोनिम्स है स्कोल्डेड, बेरेटेड, रिप्रीहेंडेड और क्रिटिसाइज्ड। एंटोनिम्स है अक्लेम्ड, कॉम्प्लीमेंटेड, अक्लेम और एडमायर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रवि रिब्यूक सुनील फॉर द नॉइज ही मेड। तो रवि ने सुनील को डांट फटकार लगाई क्योंकि वह शोर मचा रहा था, इसलिए रवि ने उसे डांटा, डराया, धमकाया। अगला हमारा शब्द है ऑटोनॉमस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्वायत्त हो, स्वशासी हो, मतलब उसे
इंडिपेंडेंट हो, अपने निर्णय खुद लेने की उसे स्वतंत्रता हो, उसे बोला गया है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस के सिनोनिम्स है इंडिपेंडेंट, सोवन, सेल्फ सफिशियंट और सेपरेट। एंटोनिम्स है डिपेंडेंट, सब्जेक्ट और सबसर्वियंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे प्राउडली डिक्लेयर देमसेल्व्स पार्ट ऑफ अ न्यू ऑटोनॉमस प्रोविंस। तो किन्हीं लोगों की बात की जा रही है कि उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपने आप को एक स्वायत्त या स्वशासी प्रोविंस के रूप में घोषित किया। मतलब किसी देश से कोई भाग अलग हो रहा होगा तो लोगों को ये बेहद खुशी थी, बड़े गर्व के साथ उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो उस देश से अलग हो रहे हैं और अपना अलग से स्वायत्त स्वतंत्र ऑटोनॉमस बॉडी जो है प्रोविंस वो बना रहे हैं। अगला हमारा शब्द है इंटेग्रिटी, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है एकता, अखंडता, एकजुटता, यूनिटी, उसे बोला गया है इंटेग्रिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑनेस्टी, मोरालिटी, वर्च्यू, रेस्टिट्यूट और डिसेंसी। एंटोनिम्स हैं डिसऑनेस्टी, करप्शन, इनइक्विटी, इमोरालिटी और डिसग्रेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द इंटेग्रिटी ऑफ अ नेशन मस्ट बी मेंटेन। तो ये हम सभी जानते हैं, कोई बोलने वाली बात नहीं है कि हमें देश की एकता और अखंडता को जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। अगला हमारा शब्द है कवेटेड। कवेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कवेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने की हमारी जो लालसा होती है, आकांक्षा होती है, इच्छाएं हमारी डिजायर होती है किसी चीज़ को प्राप्त करने की, उसे बोला जाता है कवेटेड। कवेटेड के सिनोनिम्स है डिजायर्ड, वॉन्टेड, लस्टेड और इन डिमांड। एंटोनिम्स है अनडिजायरेबल, डिसएग्रीएबल, रिजेक्टेड और नॉर्मल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सम पॉलिटिशियन कोवेट टू गेट वेल्थ। तो राजनेताओं की बात की जा रही है कि कुछ राजनेताओं की सत्ता में आने की लालसा सिर्फ यही होती है कुछ ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ वो इकट्ठी कर सकें। अगला हमारा शब्द है अल्योर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अल्योर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद मनमोहक हो, एट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, मोहित करने वाली, प्रलोभित करने वाली, उसे बोला जाता है अल्योर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, चार्म, ल्योर, अट्रैक्ट, अपील, टेम्प्ट और अट्रैक्शन। एंटोनिम्स है रिपील, डिसवेट, डेटर और रिपल्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द ल्योर ऑफ द बिग सिटी। तो बड़े बड़े शहरों की तरफ सबका जो है आकर्षण होता है, तो उसी की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है सागा। सागा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सागा का मतलब होता है बहुत बड़ा कोई कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट, मतलब बहुत बड़ी कोई कहानी, कोई लंबी घटना, उसे बोला गया है सागा। सागा के सिनोनिम्स है एपिक, टेल, स्टोरी और फेबल। एंटोनिम्स है बायोग्राफी और शॉर्ट स्टोरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 1600 पेज सागा अबाउट 18th सेंचुरी स्लेवरी। तो 18वीं सदी की जो दास्ता थी उसके बारे में 600 पेजों की कम से कम एक लंबी, बहुत लंबी घटना या कहानी के बारे में बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है चीज़ों के बीच में बराबरी होना, इक्वल होना, चीज़ें बराबर, समान, समकक्ष, उसे बोला गया है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के सिनोनिम्स है इक्वल, सिमिलर, सेम और कंपेरेबल। एंटोनिम्स हैं इसके डिफरेंट, डाइवर्स, अनलाइक और अनइक्वल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द इंडियन लोकसभा इज रफली इक्विवेलेंट टू द अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बात कही गई है जो हमारी भारतीय लोकसभा होती है वो लगभग उसी के बराबर होती है जैसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो लगभग उसी के समान, उसी के समक्ष हमारी भारतीय लोकसभा होती है। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अवरोध पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, रुकावट डालना, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन के सिनोनिम्स है डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, डिसऑर्डर और कमोशन। एंटोनिम्स है ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ऑर्डरिंग और हार्मनी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्लान वॉज डिजाइंड टू इंश्योर डिस्ट्रप्शन टू बिजनेस वॉज केप्ट टू अ मिनिमम। तो किसी तरह की योजना की बात की जा रही है कि उस योजना का जो पूरा उद्देश्य था वो यही था कि जो बिजनेस में होने वाला लॉस है उसको कम से कम किया जा सके। जितने भी बिजनेस में अवरोध पैदा होते हैं, रुकावटें पैदा होती हैं, तो उन अवरोधों को, उन रुकावटों को, उन प्रॉब्लम्स को कम से कम किया जा सके, यही इस योजना का जो है वो उद्देश्य था, इसलिए ये योजना तैयार की गई। अगला हमारा शब्द है एचलन। एचलन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एचलन का मतलब होता है कोई किसी भी तरह का कोई संगठन है या किसी
यहाँ बात हुई है टीम की, स्पोर्ट्स की। किसी भी तरह का कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोसाइटी है, तो उसमें पद किसी व्यक्ति का एक लेवल होना, जैसे बॉलर कोई फास्ट बॉलर होता है, कोई अच्छा बॉलर होता है, तो उनका एक टोली, एक उनका स्तर, किस स्तर के वो खिलाड़ी हैं, किस लेवल के, किस रैंक के वो खिलाड़ी हैं। तो किसी तरह की उपाधि, टोली या विभाग में कोई पोजीशन, रैंक, उसे बोला जाता है एचलॉन। एचलॉन के सिनोनिम से रैंक, लेवल, ग्रेड, क्लास और पोजीशन। एंटोनिम से स्लोप, डिसअरेंज, डिसअरे और डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द लोअर एचलॉन्स ऑफ सोसाइटी। तो किसी सोसाइटी की जो निम्न स्तर के जो लोग होते हैं या निम्न स्तर के जो भी रैंक है उनकी बात कही गई, निम्न स्तर, लोअर रैंक की बात, या लोअर जो जितने भी एचलॉन, मतलब जितने भी लोअर रैंक के सोसाइटी में लोग हैं या इस तरह के जो रैंक के, ग्रेड के, क्लास के लोग हैं, उनकी बात की गई है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।